हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं आनंद जी टेक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube पर सही तरीका से वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप YouTube पर जो वीडियो अपलोड कर सकते हैं वो दो तरीका से, एक क्रोम ब्राउज़र में जाइए और डेस्कटॉप साइड करके वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, और दूसरा आप अपने मोबाइल के YouTube एप्लीकेशन को खोल करके डायरेक्ट वहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और बाद में टाइटल टैग जो डिस्क्रिप्शन वो आप YT स्टूडियो ऐप से वहाँ लगा सकते हैं। तो दोस्तों, पर्सनली जो मुझे अच्छा लगता है और इजी लगता है वो मोबाइल से जो डायरेक्ट यूट्यूब ऐप होता है वहाँ से अपलोड करता हूँ, और बाद में टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन YT स्टूडियो से जाके लगा लेता हूँ। तो अभी मैं आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इजी तरीका में बताऊंगा कि आप कैसे अपने वीडियो को सही तरीका से अपलोड कर सकते हैं और टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो के बाद आपको एक स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो दिखेगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे वीडियो अपलोड करना है। तो इस वीडियो के बाद मिलते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो पे। हेलो दोस्तों, तो आ गए अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। मैं यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन के यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेता हूँ, और आपको देखिए दोस्तों यहाँ नीचे में प्लस का साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए सबसे ऊपर में आपको लिखा होगा अपलोड अ वीडियो, अपलोड अ वीडियो है, मुझे अपलोड करना है वीडियो, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा एक यहाँ वीडियो है, मैं सेलेक्ट कर लिया वीडियो को। ये पटना जू का है दोस्तों, मैं वहाँ घूमने गया था तो वहाँ एक ब्लॉग बनाया था, तो मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ टाइटल लिखने के लिए है, यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए है डिस्क्रिप्शन। तो मुझे अभी कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस ऐसे ही आपको छोड़ देना है, बस आपको ये देखना है दो जी। यहाँ देखिए दोस्तों, अनलिस्टेड जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिए। हो सकता है आपने वहाँ पब्लिक किया हुआ हो या प्राइवेट हो, तो आपको करना है सिंपली दोस्तों यहाँ अनलिस्टेड कर लीजिए। दोस्तों इससे क्या होगा कि आप जब भी अपलोड कीजिएगा तो ये इसका नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं जाएगा, ये वीडियो कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ आप देख पाइएगा। अगर आपका पब्लिक होता है दोस्तों तो पब्लिक मतलब सब देख लेगा। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कीजिएगा तो प्राइवेट में भी बात वही हो जाती है कि सिर्फ वो आपको दिखाई देगा और किसी को नहीं दिखाता। आपको सिंपली अनलिस्टेड ही करना है दोस्तों, ये अनलिस्टेड कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। अनलिस्टेड करके यहाँ से दोस्तों सिर्फ सीधा नेक्स्ट कर दीजिए और कुछ नहीं करना दोस्तों। मैं अभी आपको बताता हूँ कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब कैसे लिखना है लगाना है, आप कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ सीधा आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यस इट्स मेड फॉर किड्स, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड, तो आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड। और यहाँ देखिए आपको दोस्तों सिंपली लिखा होगा अपलोड, इस अपलोड पर क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर दीजिए, बस आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। जब आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आपको सिंपली अपने मोबाइल के YT स्टूडियो में आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, मैं इसको यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक कर लिया। अब देखिए यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आप आसानी से इजीली टाइटल वहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ ज़्यादा बेटर आपको होगा टाइटल। यहाँ पर मी एट द जू जहाँ लिखा हुआ हूँ, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना टैग्स लगा सकते हैं इसमें क्लिक करके यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, तो अभी मैं आपको सारा चीज़ बताता हूँ कैसे लगा सकते हैं। फिर से मैं बैक हो गया हूँ, तो ये पेंसिल वाले आइकन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं पटना गया था घूमने, तो मैं टाइटल में क्या लिखूँगा, PATNA पटना जू, ये लिख देता हूँ। और एक इस टाइप का ये दो डाल देता हूँ, ताकि ये मेरा पहला हो गया, पहला एक टर्म अलग हो गया। अब मैं लिख देता हूँ पटना जू ब्लॉग, PATNA पटना जू LOG ब्लॉग। फिर से मैं वो इस टाइप का ये दो दे देता हूँ, ये अलग हो गया। आप कोई इससे पटना जू सर्च करेगा तो भी मेरा वीडियो आ सकता है, पटना जू ब्लॉग करेगा तो भी आ जाएगा। और उस जू का नाम है संजय, SANJAY संजय गांधी, GANDHI जे गांधी बायोलॉजिकल पार्क भी। बायोलॉजिकल पार्क, बस इतना कर दिया मैं। अब देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या लिखना है दोस्तों। जैसे अब डिस्क्रिप्शन में है, जो भी आपको लिखना है आप पहले क्या कीजिए, मोबाइल के नोटबुक में लिख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं अपने मोबाइल के यहाँ देखिए नोटबुक है, इसमें आ गया, मैं यहाँ पहले से लिख के रखा हूँ हेलो दोस्तों, मुझे कुछ नहीं करना, बस ये सिंपली ऐसे कॉपी कर लेना है। यहाँ देखिए कॉपी कर लिया मैं, और इसको आके यहाँ सीधा पेस्ट कर देता हूँ पहले। और इसके बाद जैसे दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं
अब यहाँ पे मैं कुछ भी जैसे लगा सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में, हैशटैग पटना जू PATNA पटना ZOO जू, देखिए ये ऑलरेडी हमको सजेस्ट कर दिया, हैशटैग पटना जू ब्लॉग PATNA पटना जू, ब्लॉग हैशटैग पटना, कुछ भी जो भी आपको मन में होगा दोस्तों, ये हैशटैग कुछ भी लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे जू ब्लॉग ही मैं सीधा लिख देता हूँ, जू ज़्यादा नहीं लगाना आपको, 5-10 लगा दीजिए बहुत हो गया, यहाँ पर मैं पीछे में हैशटैग डाल देता हूँ। और इसके बाद जैसे कि आपको कुछ और भी लिखना है, जैसे कि फॉर एनी इंक्वायरी, कि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करना चाहे, तो आप लिख सकते हैं फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एट, अब कुछ भी अपना यहाँ पर ईमेल आईडी लिख दीजिए, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं। तो यही हुआ दोस्तों, आप जैसे आप अपना यहाँ पर आप लिख दिए पूरा अपना डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनलिस्टेड क्या हुआ है, इसको अभी अनलिस्टेड ही रहने दीजिए दोस्तों। आप पहले टैक्स भी लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए मोर टैक्स, यहाँ पर टैक्स लगा लीजिए, जैसे कि PATNA पटना जू, देखिए पटना ब्लॉग PATNA पटना जी ब्लॉग पटना PATNA पटना TO टूर PATNA पटना पटना, जैसे जो भी आपको मैंने सिर्फ पटना भी रहने दीजिए। तो जो भी आपको टैक्स लिखना होगा दोस्तों आप यहां से लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद दोस्तों आप जब सारा चीज़ आपका दोस्तों हो जाएगा, तो उसके बाद आपको देखिए यहाँ दोस्तों पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने ये थंबनेल बना के रखा था, यहाँ से सिंपली इसको सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए दोस्तों जो अनलिस्टेड किया हुआ है इसको अब आपको पब्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अब ये आपके आपका सारा सबके पास नोटिफिकेशन चला, आपको पब्लिक कर दिया मैंने, आपको बैक आ जाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पब्लिक लिखा चुका है, अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सेव कर देना है। ये लीजिए दोस्तों, अब ये आपका हो गया रेडी टू वॉच। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक